गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग ओड टू ऑटम, गीति काव्य शरद ऋतु या पतझर का, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने, उसका हम लोग क्या देखेंगे आज, सारांश। देखिए, अगर आप किसी भी कविता का, आपको ऑप्शन रहता है तीन, कितने ऑप्शन रहता है तीन कविता देगा और तीन कविता में से एक कविता का समरी लिखेगा, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, तीन नंबर मिलेंगे। प्लस अगर आप कविता का लाइन याद रखिएगा तो आपको दो तीन नंबर वहां से मिल जाएंगे, नहीं कविता के लेखक का परिचय का नाम रखिएगा, दो तीन नंबर उधर से मिल जाएगा। नंबरे नंबर तो बरस रहा है, और ज्यादा क्या करना है, 100 क्वेश्चन में से मात्र कितने क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन ना। उतना बेवकूफ हम लोग जन्म लिए नहीं है, सुतलो रहेंगे तैयो 45 को मार रखे आएंगे। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड करें, किस पर कमांड करें, आइए तो शुरुआत करें समरी। चलिए, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स। दिस पोएम बोले तो यह कविता, बाय माने के द्वारा, रिटन माने लिखा गया, किसके द्वारा, तो दिस पोएम माने ओड टू ऑटम। वहां पे दिस पोएम मत लिखिएगा, वहां पे क्या लिखिएगा, ओड टू ऑटम, समझेगा कि कौन कविता लिखेगा, ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स, किसके द्वारा लिखा गया, जॉन किट्स द्वारा। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वह माने थे या था, ए माने एक, ग्रेट माने महान, लवर माने प्रेमी, और नेचर माने प्रकृति, ऑफ माने का, प्रकृति के क्या थे, ग्रेट लवर, महान प्रेमी थे, कौन थे, जॉन किट्स। आजकल का प्रेम तो प्रेम नहीं रहा, आजकल का प्रेम क्या हो गया है, वासना हो गया है, टाइम वेस्ट हो गया है, लाइफ स्पॉइलिंग हो गया है, नहीं जो प्रेम किया वो प्रेम में ही बह के समुन्दर में समा गया, आपका दरिया है डूब के, इसलिए बाबू आपका दरिया दूर रहो, सीधा यहाँ आओ, कहाँ पे, बोर्ड बॉटम, यही बोर्ड पर आएगी। एंड और वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारे में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम, देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने महान, तो ग्रेट माने महान, ग्रेटेस्ट माने अंग्रेजी कवि, देखिए महानतम अंग्रेजी कवियों में से एक, बहुत सारे अंग्रेजी के हैं, उसमें से एक महानतम अंग्रेजी कवि है, कौन है, और ही वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वह प्रकृति के महान प्रेमी है, बड़े प्रेमी है। ही डाइड, मृत्यु तो होना ही है सबका, जो आया है सो जाएगा। He died at the age of 26. उनकी मृत्यु हो गई कितने साल पर, 26. और हमारे यहाँ पर तो 26 साल में ठीक से लुंगियों पहनना नहीं जानता ना, 26 साल में बच्चा, 26 साल में देखिए किताब लिख के चल गए, तो हमर भारत महान कहियो हो ही, मुखिया जी तनी हो के तब दे दो ना। सोचिए अब इंग्लैंड वाला जहाँ आविष्कार करने में लगा, तू सब मन हो तो दे दी, तो तेरा कथी हो तो कुछ मिलता हो। चलिए, तो यहाँ पे 26 साल में चल गए कहाँ, भगवान कहे तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जल्दी हमारे पास आओ, जरूरत पोस्ट खाली हो गया। He died, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 26, 26 साल की उम्र में, बिकॉज क्योंकि ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसके कारण टीबी को तपेदिक बोला जाता है, तपेदिक बीमारी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, नहीं क्षय रोग भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी जो होने पर पहले मृत्यु समझा जाता, टिकट कंफर्म, दुनिया से ऊपर जाने का जो एक गाड़ी है उसके लिए टिकट कंफर्म हो जाता है, ट्यूबर क्लोसिस कुछ नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन का कैसे टिकट लेते हैं तो कंफर्म हो जाता है जी सर, तब ना जाते हैं, कंफर्म रहेगा तो जाइएगा, कुत्ता लेकर
और टीबी कैसे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। जीवाणु है। जीवाणु कहाँ होता है? आसपास भटक रहा है। आपके शरीर की क्षमता जैसे ही कमती है, बहुत सारे जीवाणु अभी हमारे शरीर में बहुत सारा हमला कर रहा हो। अगर हम तुमको दिखा दे ठीक है माइक्रोस्कोप से, तो अभी देखोगे तुम्हारे शरीर पे बहुत कीड़ा एकदम लगदल है। हमारा शरीर उसे क्या कर रहा है? लड़ रहा है। जैसे युद्ध के मैदान में तलवारबाजी होता है, इससे भी चल रहा होगा हमारे शरीर पर। जिस दिन मेरा शरीर कमजोर होगा वो कहां घुस जाएगा? ठीक है। इसलिए बुढ़ापा जो जिंदगी का होता है तुरंत तुरंत बीमारी होगा। अभी जवानी में कुछ बुझाई छो? जय श्री राम। कुछ नहीं होता है, बलास्त तक हमको बुखार नहीं छुआ। ठंडा क्या मार देगा हमको? ठंडा को तो देख ले, जब बुढ़ारी आएगा गर्मी मार देगा, ठंडा तो दूर है। ठीक है। तो नहीं, अगर चाहते हो कि तुम लोग ना कभी बीमार ना पड़ो, तो इसके लिए क्यों पाए डेली 1 किलोमीटर दौड़ो, 1000 मीटर। लेकिन एक के दिन दौड़ जाए हाँ पूरा अंदर वाला शरीर सब पचन चली बाहर भी। ठीक है। अब पहला दिन आप दौड़िए कम से कम 50 डेग 100, दूसरा दिन 100 डेग, ऐसी बढ़वाई 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 देख दिन ऐसा दौड़े लाग तो पूरा दुनिया दौड़ जो। और दौड़ने के लिए एक चीज है, चना है, बादाम है, किशमिश है, छुहारा है, मुनक्का है, जितना बाजार में मिलता है मीठा के साथ गुड़ के साथ मिला के खा जाओ, तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गया? ट्यूबरक्लोसिस आ जाओ। ट्यूबर किसके कारण मृत्यु हुआ बउआ? इन दिस पोएम इस कविता में किड्स किड्स माने कौन? जॉन डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स माने वर्णन करते हैं ब्यूटी सुंदरता एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके चरित्र चारित्रिक को। चरित्र जानते हो ना, चरित्र बहुत बड़ा चीज होता है आदमी का। एक बार तुम अपना चरित्र खोदोगे, चरित्र बहुत तरह से खोया जाता है। किसी का पैसा ले लिए आया तो लतिया दिए, चरित्र खो गया, चरित्र खो गया। अपन पत्नी को परायों को दे दिए, चरित्र खो गया। अपन पत्नी को छोड़कर दूसर जने भाग गए, चरित्र खो गया। पढ़ाई के समय इधर उधर रुचा लेखा किए, चरित्र खो गया। कोई कहते हैं इन दिस पोएम इस कविता में जॉन किट्स वर्णन करते हैं किसके बारे में? सुंदरता और चरित्र के बारे में। करेक्ट है। ऑफ ऑटम किसके चरित्र के बारे में? ऑटम बाबू। ऑटम की तुलना इस कविता में जो एक सुंदर स्त्री से की गई, जो स्त्री जहाँ पे धान झाड़ा जाता है वहां पे लेटी हुई है, हवा मंद मंद चल रहा है, बाल जो है लड़की का, देखो लड़की को किसी को फंसाना अगर हो ना देख के तो क्या करेगी बाबू? बाल को पूरा खोल के उड़िया लगी आगे तनका। ठीक है। ऐसे अब ऐसे वाला फैशन चला, ऐसे वाला ऐसे देखा लड़का में चला देखा बाप लिपस्टिक जब चमका सब सुन आगे इन फर्स्ट स्टेप जा। अरे अच्छा लड़का के बारे में ना सिंपल समझो, सुंदर कौन पैदा लेता है इस धरती पर? मनुष्य में लड़की नहीं। याद रखना जब तुम मोर और मोरनी में जाओगे तो मोर जो होता है ज्यादा खूबसूरत होता है मोरनी से। अगर तुम मुर्गा और मुर्गी की बात करोगे, मुर्गा बहुत खूबसूरत होता है और मुर्गी नहीं, आदमी के बच्चा जो होता है। इसमें लड़कियां को भगवान ने खूबसूरत उतारा ही है। बाबू रे लड़का के अगर खूबसूरत बना देते ना तो दुनिया भ्रष्ट हो जाती। वो नहीं हो बच्चे लोग इन फर्स्ट स्टैंजा पहला जो स्टैंजा है
देखिए एक्सचेंजा समझ में आ रहा है ना आप लोग को बोलो। एक्सचेंजा का मतलब होता है कि तोड़ तोड़ को कई भाग में, एक भाग जहाँ समाप्त होगा फर्स्ट होगा, फिर समाप्त होगा तो सेकेंड होगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चे लोग, थर्ड आ जाएगा। नहीं तो इन फर्स्ट एक्सचेंजा, पहला जो एक्सचेंजा है द सन एंड ऑटम, द सन एंड ऑटम, सन माने सूरज, ऑटम माने पतझड़, पतझड़ यानी पत्ते गिराने का समय जो होता है। आर कंस्पायरिंग, क्या कर रहा है दोनों मिलकर बउआ, साजिश कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे अगर किसी का बेटी घर से निकलती, बगल वाला साजिश करता है, कहाँ जाती है, क्या करती है, माने हम तुम्हारे माता पिता से ज्यादा खबर उसको है, बोलू यहाँ से गई 20, ऐसे बोलता है 20 कदम पर गई तो वो फोन की, फोन की तो फिर तनका दूर जब बढ़ी कोई नहीं था, एगो ने से गाड़ी से आया और पाची से आया, ठीक है उसका पास साइकिल, साजिश का मतलब समझा रहे हैं। उसके बाद साइकिल किसी होटल में लगा दिया और पाची पे चढ़ के कहां गई, ठीक है, और बेटी से पूछ आलो है ना, पूछ तू कहां गए लो। अब यहां भी वही चाल है, देखो दुनिया में सब जगह चाले, सूर्य भगवान और कौन, ऑटम, ऑटम माने शरद ऋतु, शरद ऋतु और सूर्य दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कंस्पायरिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहे हैं बाबू? टू ब्लेस ट्रीज, इसको पेड़ों को आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन चीज का मिलकर, फ्रूट्स विद फ्रूट्स, मतलब पेड़ जो है कथी से लद जाए, कोना के साजिश चल रहा है, सूर्य और दोनों पलान में है कि बउआ बहुत तू हिल ले, अब तोरा कथी लदा देता विद फ्रूट्स एंड टू स्वेल द गार्ड, और गार्ड का मतलब समझा छो सिस कोहरा, कोहरा जानते हो 14 जनवरी फिर आ रहा है खाने के लिए, याद रखना कोहरा, कोहरा ज्यादा नहीं खाना वो बीमारी का घर है। आइए तो जो सूरज है और जो ऑटम है दोनों साजिश कर रहे हैं पेड़ों को फल से लादने का, ब्लेस ट्रीज विद फ्रूट्स, कौन सी से लादने का, एंड टू स्वेल, स्वेल माने बढ़ाने का, गार्ड माने कोहरा, कोहरा को बढ़ाने का, कि कोहरा जो छोटा है वो क्या हो जाए। ये किसका साजिश है? सूरज और शरद ऋतु का। अब ये पहला स्टेंजा था खत्म, दूसरा स्टेंजा, इन सेकेंड स्टेंजा, ऑटम इज व्यूड, पतझड़ दिखता है, व्यूड एज ए वुमन, कैसा दिखता है बउआ, औरत, एक औरत एज माने के रूप में, एक औरत के रूप में, जो हमारा ऑटम है, जो हमारा पतझड़ है, जो हमारा शरद ऋतु है, उसको तुलना किससे की गई है, औरत से, जहाँ औरत आएगी तमाशा तो, चाहे महाभारत का द्रौपदी हो, चाहे रामायण का सीता हो बाबू, चाहे चाहे रावण की बहन सुपर्ण रेखा, चाहे कृष्ण के साथ राधा हो बाबू, नाच तो होगा, ऐसा नाच होगा जो दुनिया, इसका मतलब इस कविता में भी नाच ऑर्केस्ट्रा लगेगा। चलिए तो ये इस रूप में, ये जो है ऑटम जो है बउआ, ऑटम शरद ऋतु को किस रूप में दिखाया गया है, एक वुमेन के रूप में, एक औरत के रूप में, ऐसी औरत जिसको देखने के बाद मन करे कि विकास मेरे पास कैसा ही। चले एंड और इट्स प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति, लिखा है एंड इट्स प्रेजेंस मतलब उसकी उपस्थिति, एक महिला की उपस्थिति, एक शरद ऋतु का उपस्थिति, इस फेल्ट अनुभव किया गया ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, कहाँ पे, ग्रेनरी फ्लोर समझते हो, ग्रेनरी फ्लोर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे धान को हम लोग झाड़ते हैं, चौकी रख के झाड़ते हैं, तो उसी को ग्रेनरी फ्लोर कहा जाता है। तो ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी
बच्चा भी ऑटोमेटिक पैदा लेता है। डाउनलोड करो रिसीव करो मशीन से जरा चेक मतलब क्या हम अपने माँ बाप को भूल जाएंगे? नहीं तो ग्रेनरी फ्लोर ये जो है सुंदर औरत कहाँ पे है? ग्रेनरी फ्लोर जहाँ पे धान को झाड़ा जाता है उस जगह पे है, ठीक है। एक मिनट, दुनिया देख रहा है इसलिए बोल नहीं सकते ही। चलो इन थर्ड स्टेंजा, इन थर्ड स्टेंजा मतलब तीसरे जो स्टेंजा है, स्टेंजा समझ में ना, एगो बात खत्म दोसर अगुआ वाला ही बात कर ले के लड़का वाला देख ले अंगूठी पहना दे के बात बढ़ा चाहते ना स्टेंजा, स्टेंजा बढ़ रहा है। स्टेंजा क्या हो रहा है? थर्ड स्टेंजा में क्या कहता था? म्यूजिकल एस्पेक्ट। म्यूजिकल का मतलब होता है एक संगीतमय पहलू ऑफ ऑटम इज व्यू। देखो थर्ड स्टेंजा में क्या दिखाया गया? एक संगीतमय दृश्य को पतझर का दिखाया गया। पतझर जो है जब हवा सन सन चलती है, गाना सुने सन ही सन, अरे गाना है वो सन सन नहीं याद है, सन सन आना सन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड स्टेंजा देखो, सेकेंड स्टेंजा में क्या दिखाया गया? थर्ड सेकेंड स्टेंजा में क्या दिखाया? खूबसूरत लड़की के रूप में, एक औरत के रूप में दिखाया गया ऑटम को। थर्ड स्टेंजा में क्या दिखाया गया आपको? ऑटम को एक म्यूजिकल एस्पेक्ट के रूप में, एक संगीतमय पहलू के रूप में दिखाया गया कि एक म्यूजिक की तरह वहां पे आवाज आती है और इट कैन बी हर्ड और इसे सुना जा सकता है इन ब्लीटिंग ऑफ फुल लैम्प्स। लैम्प लैम्प्स एक जो होता है ना, क्या होता है पता आप लोगों को? लैम्प्स जो होता है, मैना उना का नाम सुने हो ना, तो लैम्प्स लैम्प्स और सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर, झिंगूर। देखो बच्चा, हार्ट इन ब्लीटिंग, ब्लीटिंग माने चहचहाना, लैम्प की चहचहाट। अभी भोरवा होगा तो देखना पक्षी चहचहाता है ना, लैम्प्स की चहचहाट। और क्रिकेट, क्रिकेट माने झिंगूर की गीते, झिंगूर की गीते। एंड ट्विटरिंग ऑफ सरेज, सरेज का मतलब अलाविल, एक पक्षी होता है अलाविल, ठीक है अलाविल पक्षी, उसका ट्विटरिंग चहचहाट को इन द स्काई, कहां पे? कोई दिक्कत है क्या? ब्लीटिंग माने मिमियाना होता है, ब्लीटिंग माने क्या होता है? लैम्प्स जो है से मिमियाता है उसकी आवाज को। क्रिकेट के पहले शाम का मौसम होता था, झिंगूर गर्दा मचा देता था मोड़ी में, लेकिन अब मोड़िए नहीं है तो बेचारा कहाँ आएगा। और क्या है? ट्विटरिंग ऑफ सोलो इन द स्काई, अलाविल जो पक्षी है अलाविल, ठीक है, वो आकाश में उसकी चहचहाट को। माने थर्ड स्टेंजा में एक कहता है कि एक संगीतमय पहलू का दिखाया गया किसका? पतझर का, जो कि इट कैन बी हर्ड, जो सुना जा सकता है इन ब्लीटिंग ऑफ फुल लैम्प, लैम्प के किसको? ब्लीटिंग को, ब्लीटिंग मतलब मिमियाने को, सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट यानी किसके? झिंगूर के गीतों को। एंड ट्विटरिंग ऑफ सोलेज इन द स्काई, सोलेज के आकाश में चहचहाट को। कोई दिक्कत है क्या बाबू? यह लाइन इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक लाइन भी उसमें से याद हो गया तो समझो बेरा कंप्लीट है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर से सुनेगा। ओड टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया? ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, वह एक क्या है? महान प्रकृति प्रेमी थे। एंड और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन हिज पोएम, महान कवियों में, महानतम कवियों में से एक। ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 26, 26 साल की उम्र में, बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, किसके कारण? तपेदिक, क्षय रोग होने के कारण। इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन किट्स डिस्क्राइब, देखो यहाँ तक सब कहता है, इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब, इस कविता में जॉन किट्स वर्णन करते ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, सुंदरता और उसकी चारित्रिक गुणों को ऑफ ऑटम, किसके चारित्रिक गुणों को? ऑटम के, ऑटम बोले तो शरद ऋतु,
शरद ऋतु के चारित्रिक और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। कौन वर्णन करते हैं? और बाबू फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, ये याद रहना चाहिए। अगर तुमको कुछ नहीं लिखने आता, सिंपल लिखना, ओ टू ऑटम हैज रिटन बाय जॉन किट्स इन दिस पोएम, इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? या ऐसे लिखना, जॉन किट्स डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टेंजा। यहां से भी शुरू हो सकता है, नहीं डायरेक्ट बीच में गोल मतलब कहानी बीच में लिखो तो लव स्टोरी क्या पता शायरी में घुसा दो इंग्लिश दो चार को मजा आ जाएगा, नंबर नहीं काटेगा, मत करना। बीच में शायरी घुसा भी दोगे ना, नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि समझता है कि बच्चा पूरा प्रेम में डूबा हुआ है। चले नंबर दे देगा ऑपरेशन मास्टर को, कॉस के दे देगा पांच नंबर के, ओ हो केस करवा देगा। लिखा यहाँ पे, यहाँ पे इन फर्स्ट स्टेंजा, पहला स्टेंजा में, स्टेंजा समझ में आ रहा है ना, एक बात खत्म हुआ तब ना दूसरा आएगा, तब ना तीसरा आएगा, ओ ऑटोमेटिक बच्चा लाने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना, तब ना डाउनलोड होके आएगा, अपने तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, देखो इन फर्स्ट, इन फर्स्ट स्टेंजा, पहला जो स्टेंजा है, द सन एंड ऑटम, सूरज और शरद ऋतु आर कंस्पायरिंग, आर कंस्पायरिंग माने मन चंगा तक कठौती मिलेगा, मन न रंगाए रंगाए जो ही चल रहा है, विजय सर से पढ़ने ध्यान अभी भी भटक रहा है, आज जाएंगे तो पार्क जाएंगे, रात भर क्लास नहीं होगा। आइए इन फर्स्ट स्टेंजा, पहला स्टेंजा में द सन एंड ऑटम क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं टू ब्लेस ट्रीज विद फ्रूट्स, कौन सी से लादने का, फल से पौधों को लादने का आशीर्वाद यानी प्लान बन रहा है, एंड टू स्वेल स्वेल द गार्ड, और यहाँ पे गार्ड गार्ड यानी कोहरा को स्वेल माने बढ़ाने का साजिश चल रहा है। ये सब तुम्हारे माता पिता भी कुछ साजिश कर रहे हैं, मेरा बेटा बेटी अब इंटर, बाप रे बाप इंटर, एने का इंटर टिकट, इंटर अगले का अगला टिकट, तुम लोग चाहते हो टिकट न कटे, उसके लिए एक ही काम है, खूब पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, और बाद में बताएंगे फिर से अगले वीडियो में। देखो सेकंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में ऑटम इज व्यूड एज अ वूमन, ऑटम शरद ऋतु को ब्यूट दिखाया गया है किस रूप में, औरत के रूप में, एंड इट्स, एंड इट्स प्रेजेंस और इसकी उपस्थिति को इज फेल्ट ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, जो कहां पे फील हो रहा है, कहां पे महसूस किया जा रहा है, ग्रेनरी फ्लोर जहां पे धान को चारा जाता है। इन थर्ड, चूंकि अरे शरद ऋतु अभी जो मौसम होता है ठंडा का मौसम, जनवरी फरवरी का, उस समय धाने ना कटाई नहीं चलता है, ठीक है, अब की ना देखे ना मिलता पानी भर, अच्छा ठीक है। इन थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में द म्यूजिकल एस्पेक्ट, म्यूजिकल माने संगीतमय पर, संगीतमय पर समझ रहे हो ना, शरद ऋतु में जो म्यूजिक आता है, किसका म्यूजिक आता है, ऑटम शरद ब्यूट दिखाया गया, इट कैन बी हर्ड, और म्यूजिक को सुना जा सकता है, इन ब्लिटिंग ऑफ फुल लैम्प्स, लैम्प्स के ब्लिंकिंग को, मिमियाने को, सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट्स झिंगूर के गीतों से, एंड ट्विटरिंग ऑफ सरेस इन द स्काई, और आकाश में सरोज के चहचहाट के, सरोज होता है अलाबिल, एक पक्षी होता है, अलाबिल कहता है कि अलाबिल कहता है, लेकिन इसको डिक्शनरी में अच्छा से देख लीजिएगा, अलाबिल है कि अलाबिल है, ठीक है, ओके। हम लोग जानते हैं कि सरोज एक पक्षी है जो कि चहचहा रहे आकाश में, ये सारा देखने को कहाँ मिलेगा, तो और यह जो गीत के रूप में है, किस रूप में है, जब आप इसको YouTube पे सर्च कीजिएगा कि प्लीज, नहीं प्लीज गिव मी, या लिखवाई ओड टू ऑटम इन द म्यूजिकल वे, लिखोगे ना इसको हम संगीत रूप में दो, तो ये पूरा कविता जो है गीत गाते हुए देगा, और यहाँ का नहीं, ये लोग तो विदेशी लोग रखाएगा, करेक्ट है। तो समरी आपका समाप्त हुआ, यही समरी है, अच्छा से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, डेली पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक एग्जाम, जय हिंद।